आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि UPSC की तैयारी किस प्रकार से करें और कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, कितने पेपर होते हैं। हमारा जो मोटिव रहेगा यही रहेगा कि आपको बताएं कि किस पेपर में कितने नंबर लाने हैं और कौन सा पेपर किस टाइम होता है। ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज हम पहले ही बताएंगे कि UPSC जो प्रीलिम होता है, ऐसे UPSC बहुत सा एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे कि IAS, IPS, IFS, ये बहुत से एग्ज़ाम होते हैं। और जो इनका सिलेबस होता है वो तीन फेज में होता है, तीन इसमें फेज होते हैं, जैसे कि प्रीलिम, मेन, इंटरव्यू। तो पहले जो हम आपको बताएंगे प्रीलिम के बारे में बताएंगे। प्रीलिम जो एग्ज़ाम होता है, जो पहला UPSC का एग्ज़ाम होता है, उसे प्रीलिम बोलते हैं। और इसमें जो सिलेबस है, प्रीलिम में जो सिलेबस है उसमें जो पेपर होते हैं वो दो पेपर होते हैं, और दोनों ही पेपर 2 घंटे के होते हैं, 2 आवर्स के होते हैं। दोनों ही 200 नंबर को होते हैं, मगर दोनों में अंतर ये है कि प्रीलिम एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, आपको बता दिया। जो पहला पेपर होता है प्रीलिम में ही, GS1 और GS2, ये 2 प्रकार से जाने जाते हैं, एक GS1, एक GS2। GS1 होता है, उसे तो GS1 के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जो GS2 है, जनरल स्टडीज 2 है, इसे CSET के नाम से भी जाना जाता है। और ज़्यादातर आप इसे CSET के नाम से ही सुना होगा या फिर आप आगे सुनेंगे। तो इसमें जो GS1 पेपर होता है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको एक क्वेश्चन चुनना होता है, एक क्वेश्चन टिक करना होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला पेपर होता है उसमें आपको क्या है कि उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो CSET है, जो 2nd पेपर होता है, यानी जनरल स्टडीज पेपर होता है, उसमें क्या है कि उसमें लगभग 80 क्वेश्चन आते हैं। और इसे इसमें क्या होता है कि जो GS1 है, GS1 में आपको नंबर जुड़ते हैं, यानी कि कितने नंबर पर आप पास होंगे। मुख्य परीक्षा में इससे लेना देना कुछ नहीं, वैसे क्वालिफाई एग्ज़ाम है प्रीलिम, लेकिन इसमें यह है कि जो GS1 है उसका नंबर जुड़ते हैं। जैसे कि आपके आगे जाओगे तो पहले आपके जब क्लियर करने से पहले GS1 है और GS2 है, इसमें से जो मेरा कहने का मतलब है, जो GS1 है इसके नंबर जुड़ते हैं, GS1 है जो 2nd है, GS2 है यानी CSET है, उसके नंबर नहीं जुड़ते, उसका नंबर नहीं जुड़ते। और दूसरी बात यह है कि उसे क्वालिफाई करने के लिए 33% नंबर चाहिए होते हैं। ये नहीं कि आपको जैसे कि GS1 में पेपर ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं, लेकिन आप GS2 जो पेपर उसमें कम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप इस क्वालिफाई करना होता है, और जो GS1 है उसका नंबर जोड़ते हैं आपको पासिंग के लिए। फिर आप जब इन दोनों एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं तो आपका आगे सिलेक्शन होता है मुख्य परीक्षा के लिए। तो आगे हम आपको बताएंगे कि किस मतलब जो प्रीलिम पेपर है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और सिलेबस क्या क्या है, और जो CSET है इसमें क्या सिलेबस है। GS1 और GS2 ये दोनों ही पार्ट हैं प्रीलिम के, और इनके जो एग्ज़ाम होता है वैसे क्वालिफाई पेपर हैं, इसके मुख्य परीक्षा होती है, इससे कोई लेन देना नहीं है। बस इसका इतना लेन देना है कि ये 2nd स्टेज पर क्वालिफाई करके पहुँचाती है, जैसे हम मुख्य परीक्षा दे सकें। अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है इसमें 2 फेज होते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 है इसे बोलते हैं CSET, और इसे बोलते हैं GS1, GS2 इसे बोलते हैं नीचे वाले को। अब आपको हम बताएंगे कि जो प्रीलिम में GS1 है इसमें क्या क्या पूछा जाता है। आप फर्स्ट देखिए, इसमें जो करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो करंट अफेयर चल रही है उस पर बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। 2nd आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारत का इतिहास रहा है और भारत के जो मूवमेंट हुए हैं यानी आंदोलन हुए हैं उसके बारे में पूछा जाता है। इंडियन एंड से थर्ड देखिए, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जैसे कि भारत और संसार की जो जियोग्राफी होती है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फिजिकल हो या सोशल हो, इकोनॉमिक जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक हो या इकोनॉमिक जो क्वेश्चन आते हैं, या फिर जियोग्राफी संबंधित कोई क्वेश्चन है
वर्ल्ड और इंडिया से लेकर और वर्ल्ड तक के, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि इंडिया के पूछे जाते हैं, वर्ल्ड में जो घटित हो रहा है वो सब कुछ इसमें पूछा जाता है। अब फोर्थ पे देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कैसा है, पंचायती राज क्या है, इससे बेस पर इसका गठन कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन, पब्लिक पॉलिसी के बेस पर क्वेश्चन, राइट इश्यूज हैं उसके बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीलिम में आते हैं। ये जो सेक्शन है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सेकंड है। आप फाइव देखिए, फाइव में क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पॉवर्टी क्या होती है, इंक्लूजन क्या होता है, डेमोग्राफी यानी जनसंख्या से संबंधित कोई क्वेश्चन है, सोशल सेक्टर इंस्टीट्यूट कोई सामाजिक कोई पहल है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। और आप देखिए छठा भी देखिए, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इस पे बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन अब फिलहाल बन रहे हैं। ये जो इन्वायरमेंट में जो कंडीशन हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, इस पर बेस पर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि जैव विविधता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार के। और कुछ जर्नल, अब सेवन पे देखिए, कुछ जर्नल साइंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब हम सीसेट के बारे में आपको बताएंगे कि सीसेट और जो आपको बताया था हम प्रीलिम वन, ये दोनों ही दो दो घंटे को पेपर होते हैं। लेकिन जो पेपर वन आप देख रहे हैं इसमें आपके नंबर जुड़ते हैं, लेकिन जो सीसेट सेकेंड इसमें नंबर नहीं जुड़ते, इसे 32-33% आपको नंबर लाने होते हैं और आप पास हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप, अब हम आपको बताएंगे कि जो सीसेट है पेपर सेकेंड, इसे सीसेट बोलते हैं आम भाषा में, तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। इसमें भी लगभग 6 टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कंप्रीहेंशन आपने 10वीं क्लास बेस पर जो पढ़े हैं, 10वीं बेस पर जो कंप्रेशन बनते हैं वही कंप्रेशन लगभग आते हैं। इंटरप्रेशन स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इस प्रकार से आपको पैराग्राफ आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आती है, एनालिटिकल रीजनिंग आती है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आते हैं, और जनरल मेंटल एबिलिटी आती है। और इसके आप देखेंगे कि यहाँ आखिरी में बेसिक नंबरेसी, जैसे कि आपने 10th क्लास तक जो पढ़ा हो वही लेवल आता है, जैसे कि नंबर और दी रिलेशंस ऑर्डर, ऑर्डर से आ जाता है कि कुछ घटना कुछ बढ़ने बढ़ते क्रम में, कुछ घटते क्रम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और डाटा इंटरप्रेशन आता है, चार्ट ग्राफ टेबल डाटा जो सफिशेंसी होती है, इस प्रकार जो 10th लेवल का सिलेबस है ना वही पूछा गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। जो पेपर सेकंड है जिस सीसेट बोलते हैं इसमें बस यही है, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत आपको किस में करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत आप में जो पेपर GS1 होता है उसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत से अच्छी प्रकार से समझने होंगे।